together that we obtain. Number one. फिर लाया जाता है, इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? वो टेबल के ऊपर. डेस्क मीन टेबल, टॉप मीन ऊपर. जो टेबल के ऊपर रख के चलाया जा सकता है, ठीक है? इसके चार भाग होते हैं. कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, उनके भाग भी चार ही होते हैं. हाँ, सुनिए सुनिए ध्यान से. माउस, सीपीयू और मॉनिटर. बेटा पहले आप सुनेंगे, जब पूछा जाएगा तब आप जवाब देंगे, ठीक है? अभी कंप्यूटर के चार पार्ट्स बताए हैं, ठीक है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ. अब आप सभी सामने दिए गए चित्रों को देखकर और कार्टून्स भी देख सकते हैं. ड्राइंग करने के लिए आप सभी क्या जोड़ना घटाना कर सकते हैं? मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है और जो काम हम कंप्यूटर पर करते हैं इसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं. कीबोर्ड का उपयोग टाइपिंग करने के लिए होता है. कंप्यूटर में अगर कोई फाइल सेलेक्ट करनी हो अथवा ओपन करना हो तो आप माउस का प्रयोग करेंगे. कर रहे होते हैं वो इसमें, चाहे वो फाइल बना रहे हो, चाहे ड्राइंग कर रहे हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट बना रहे हो, वो इसमें दिखता है. ये हो गया, इसको बोलेंगे मॉनिटर, ठीक है? अब अपने अपने डेस्क के नीचे देखो, एक पट्टा लगा उसको खींचे पीछे, खींचो पीछे. इसको कीबोर्ड कहते हैं. और कीबोर्ड के साथ ही आपको एक और उपकरण दिखाई देगा इस तरह का, ये माउस होता है. इसको कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं, कुछ फाइल सेलेक्ट करनी हो या आगे कोई भी काम करना हो तो हम इसी के द्वारा करते हैं. एक जो बिल्कुल मेन पार्ट है, चार नंबर, तीन हो गए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. देखो शॉर्ट में सीपीयू बोल देते हैं. ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है कंप्यूटर का. जैसे हम हमारे अंदर ये यहाँ पे दिमाग है, इसी से हमारा पूरा ऑपरेशन इसी से होता है, पूरे शरीर का. इसी तरह पूरा कंप्यूटर जो सीपीयू से ऑपरेट होता है, ठीक है? तो सीपीयू मेन पार्ट होता है. डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और क्योंकि इसके चार भाग होते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है. कंप्यूटर चीज तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बहुत काम की है, लेकिन इसमें क्या है, इसको कहीं भी आसानी से लाया ले जाया नहीं जा सकता क्योंकि ये चार पार्ट होते हैं इसके, ठीक है? लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप में लैप का मतलब होता है गोल और टॉप का मतलब होता है ऊपर. आपके टेबल पे एक उपकरण रखा हुआ है, उसको लैपटॉप कहते हैं, ठीक है? लैप मीन गोद, टॉप माने ऊपर, जो गोद पे गोद के ऊपर रख के चलाया जा सके उसको लैपटॉप कहेंगे. लैपटॉप का काम क्या होता है, क्या काम करता है सुनो. तो इसका मतलब वह कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रखकर उपयोग कर सके. लैपटॉप कंप्यूटर के सभी भाग कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर. समा कंप्यूटर क्या क्या पार्ट्स होते हैं बताएंगे, खड़े होकर बताओ. मॉनिटर, ओके, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड. कीबोर्ड, ताड़ियां. अनारुल आप बताओ. मॉनिटर,
सीपीयू माउस आप बताइए सीपीयू माउस कीबोर्ड मॉनिटर सवाल रतन आप बताइए मॉनिटर सीपीयू कीबोर्ड माउस ठीक है धीरज आप बताइए मॉनिटर माउस कीबोर्ड सीपीयू रेखा आप बताइए मॉनिटर कीबोर्ड माउस सीपीयू आपके साथ में कौन बैठा है ममता सब बैठ जाए ममता खड़ी हो जाओ आप बताइए मॉनिटर सीपीयू आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं अधिकतर बच्चों ने बताई दिया है कितने बच्चों ने बताया होगा सुनो फिर से सामने देखो लिखा हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर के चार भाग होते हैं नंबर वन कीबोर्ड नंबर टू माउस नंबर थ्री सीपीयू एंड नंबर फोर इज मॉनिटर ममता पढ़ के बोलो वहां से सामने से इधर साइड में लिखा हुआ है देखो ना सामने रेखा आप पॉइंट से बताओ उंगली से बताओ इसको देखो मैं पॉइंटर लेकर आता हूँ ये यहाँ क्या ये कीबोर्ड ममता बोलो जोर से कीबोर्ड नंबर टू माउस नंबर थ्री हाँ सीपीयू एंड फोर मॉनिटर चलेगा पर या डेस्क पर रखकर उपयोग में लाया जाता है इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं इसके चार भाग होते हैं कीबोर्ड माउस सीपीयू और मॉनिटर सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है और जो काम हम कंप्यूटर पर करते हैं इसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं कीबोर्ड का उपयोग टाइपिंग करने के लिए होता है कंप्यूटर में अगर कोई फाइल सेलेक्ट करनी हो अथवा ओपन करना हो तो आप माउस का प्रयोग करेंगे जैसे ये मैं बार बार रोक देता हूँ फिर चला देता हूँ ये मैं किससे करता हूँ ये ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और क्योंकि इसके चार भाग होते हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है लैपटॉप कंप्यूटर लैपटॉप में लैप का मतलब होता है गोल और टॉप का मतलब होता है ऊपर तो इसका मतलब वह कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रखकर उपयोग कर सके जो काम डेस्कटॉप कंप्यूटर का है वही काम लैपटॉप का भी है लेकिन लैपटॉप को कंप्यूटर को क्या है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो इसको हम कहीं भी आसानी से ले जाया नहीं जा सकता लेकिन लैपटॉप को हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं काम वही करेगा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर करता है सेम काम है लेकिन इसको हम कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के सभी भाग कीबोर्ड माउस सीपीयू और मॉनिटर एक यूनिट में जुड़ा हुआ रहता है जिस तरह से डेस्कटॉप कंप्यूटर में चार भाग होते हैं वो चारों भाग अलग अलग होते हैं लैपटॉप में ये चारों भाग इकट्ठे ही होते हैं अलग अलग नहीं मिलेंगे लैपटॉप में सारे के सारे चारों पार्ट्स जो है इकट्ठे ही यूनिट में आपको होते हैं लैपटॉप बैटरी युक्त होता है इसको आप चार्ज करके बिना बिजली के घंटों उपयोग कर सकते हैं देखो ये भी सबसे बड़ा फायदा है एक बार चार्ज कर लिया चार पाँच घंटे आराम से काम किया कहीं भी कर सकते हो लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते ठीक है लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है इसलिए इसे एक
जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। इसे हम अपने बैग में रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर, चार तरह कंप्यूटर बताए थे। नंबर वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, नंबर टू लैपटॉप कंप्यूटर एंड नंबर थ्री इज नोटबुक कंप्यूटर। ये नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है, ये तो कोई नया चीज आज सुनने को मिला है, ठीक है। अब क्या नया है सुनिए। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप के जैसा ही होता है, पर ये लैपटॉप से भी छोटा होता है। देखो सबसे पहले बहुत बड़ा आया डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो सिर्फ हम डेस्क पर रख के चला सकते थे, फिर उससे छोटा आया और आसान हुआ लैपटॉप, अब उससे भी छोटा आया नोटबुक, आपकी कॉपी की तरह, जैसे कॉपी को आराम से आप ले जा सकते हैं कहीं भी, ठीक है, इसी तरह नोटबुक को भी कहीं भी ले जा सकते हैं, काम वही करेगा। इसका आकार हमारी लिखने वाली कॉपी की तरह होता है, इसका भी आप लैपटॉप की तरह ही उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन नंबर चार, स्मार्टफोन या पाम टॉप स्मार्टफोन, ये क्या बला है आप सुनिए ध्यान से, नहीं सब सुनने को मिलेगा आपको। पाम टॉप स्मार्टफोन, ठीक है, अभी तक आपने क्या सुना था, कंप्यूटर होता है कुछ, ये सुना था ना, कंप्यूटर भी चार तरह के होते हैं। या पाम टॉप स्मार्टफोन या पाम टॉप एक मोबाइल फोन के आकार का होता है, इसका उपयोग हम अपने हाथ में रखकर करते हैं। अगर आप इसे हिंदी में समझे तो पाम का मतलब होता है हथेली और टॉप का मतलब होता है ऊपर, इसका मतलब अपनी हथेली में रखकर उपयोग करने वाला कंप्यूटर। आइए अब सीखें कि कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑन करते। अब कोई भी उपकरण हो हमें उसको ऑन करना तो आना चाहिए, सबसे पहले तो ऑन करना ही सीखेंगे, उसको चालू कैसे करेंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर तो हमारे पास है लेकिन हमें चालू भी तो करना आना चाहिए। दिए गए चित्र को देखें और बताएं आपके पास कौन सा कंप्यूटर है और उस डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। बेटा नोटबुक हमारे पास नहीं है अभी, अभी आप हमारे पास डेस्कटॉप और लैपटॉप, ठीक है। आपके घर में, कई के घर में भी होगा कंप्यूटर, लैपटॉप भी हो सकता है, ठीक है। अधिकतर घरों में कोई एक जरूर मिलेगा, ठीक है, या तो लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप होगा, ठीक। क्या कहते हैं आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप अथवा नोटबुक कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर होगा। आइए अब सीखते हैं लैपटॉप अथवा नोटबुक को ओपन करने का सही तरीका क्या होता है। आपके सामने लैपटॉप रखे हैं, आपकी टेबल पर देखिए, आप इसको खोलेंगे कैसे, इसको खोलने का सही तरीका क्या है वो आप ध्यान से सुने। लैपटॉप अथवा नोटबुक के दो हिस्से होते हैं, सबसे पहले आप सब अपने बाएं हाथ से नीचे वाले हिस्से को दबा के रखें, उसके बाद ऊपर वाले हिस्से के बीच में अपना दाहिना हाथ रखकर ऊपर उठाएं और उसे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड, दायां बायां नहीं समझोगे, लेफ्ट हैंड से उसको नीचे वाले पार्ट को दबा के रखेंगे और जो राइट हैंड है आपका उसको बीच में लेकर आएंगे, उनको धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, इसको इसे दबा के रखना है और राइट हैंड से इसको उठाना है, ऐसे ऐसे नीचे दबा के रखोगे और इसको धीरे धीरे ऐसे ऊपर करोगे और बीच में ये नहीं को दबाते चले जाओगे, ये तो टूट जाएगा, तो बीच में यहाँ पे रोकना है, ठीक है। कोशिश करो सभी धीरे धीरे, यहाँ से यहाँ रखोगे ऐसे, हाँ दबा कर खोलो खोलो अभी आधा खोलो, हाँ खोलो, हाँ वो ले जाओ पीछे, वो ले जाओ, बस
सर मम्मी खोली नहीं है मैं हां रख ले देखो इसको ऐसे नीचे रखो इसको ऐसे उठाओ हां इसको बीच 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 में रखो और चलो सावा अब रेखा को खोल दो अब रेखा सिंह जी कैसे खोलते हैं खोल लिया वेरी गुड आपने खोल लिया आपने खोला है ठीक है ये बोर्ड साहब के स्विच लगे हुए हैं ठीक है प्लग लगा रखे हैं इसमें ठीक है सबसे पहले इसको ऑन करते हैं इसको ऑन करते ही हमारे इसमें सीट में सबसे पहले लाइट आती है ठीक है सीपीयू को बटन को दबाएंगे तो हमारे मॉनिटर में और कीबोर्ड में और माउस में लाइट आ जाएगी ठीक है सीपीयू तो अनुराग आप सबका चालू करा दो जिससे कि आपका डेस्कटॉप या नोटबुक का उपयोग करते हैं तो दिए गए चित्र को देखें और आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप इस सिल्वर कलर के बटन को ढूंढें अपने अंदर लैपटॉप में देखो एक हुआ बीच में हो सकता है साइड में भी हो सकता है मेरे ख्याल से आपको उनको हल्के से प्रेस करेंगे हल्के से बस पीछे सबने प्रेस किया हल्के से अब आपका लैपटॉप ऑन हो गया होगा इस सिल्वर कलर के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करें उसके बाद आपका नोटबुक या लैपटॉप ऑन हो जाएगा अब आप सभी का कंप्यूटर ऑन हो गया चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप या नोटबुक हो दिए गए चित्र को देखें और बताएं इस स्क्रीन को क्या कहते हैं कोई बता सकता है स्क्रीन को क्या कहेंगे अपने डेस्कटॉप में देखो ऐसी स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पे भी आ रही होगी अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार डेस्कटॉप क्या होता है इतनी बार बार मैं डेस्कटॉप बोल रहा हूँ ठीक है डेस्कटॉप क्या होता है ये सुनिए डेस्कटॉप कंप्यूटर की विंडो होती है जो हमें उन एप्लीकेशन और फोल्डर फाइल्स के बारे में बताती है जो फाइल्स को हम अपने इच्छा से डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और डेस्कटॉप क्या है एक विंडो है ठीक है जिसमें फाइल और फोल्डर अपने बनाते हैं सेलेक्ट करते हैं ठीक है फिर से सुनो हम अपनी इच्छा से डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और उन्हें हम सीधे खोल सकते हैं फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं या आप आगे की कक्षाओं में सीखेंगे अभी आपको आइए अब कंप्यूटर को चलाना शुरू दो नए शब्द सुनने को मिले हैं फाइल और फोल्डर ये फाइल और फोल्डर क्या होते हैं ये आपको अगली कक्षा में बताए जाएंगे ठीक है ऊपर लिखा भी हुआ फाइल फोल्डर इनसे आपको परिचय अगली कक्षाओं में करते हैं सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आप कौन से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर अब आपको पता होना चाहिए आपके पास कौन सा कंप्यूटर है ठीक है मतलब कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं अथवा लैपटॉप या नोटबुक अगर आप डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो आप माउस का प्रयोग करेंगे माउस के अंदर तीन बटन होते हैं अपना अपना माउस देखो निकाल के तीन बटन होते हैं कौन कौन से होते हैं कुछ सुना ध्यान से अभी लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन जैसा कि सामने चित्र में दिखाया जा रहा है लेफ्ट बटन का उपयोग आप सबसे ज्यादा करते हैं इससे आप फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं सबसे ज्यादा लेफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है
मैं भी बार बार रोकता हूँ चलाता हूँ, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा लेफ्ट बटन का ही मैं उपयोग कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। राइट बटन से आप कंप्यूटर को रिफ्रेश, न्यू फोल्डर, रीनेम फाइल और डिलीट फाइल इत्यादि कर सकते हैं। राइट बटन का उपयोग किया तो जाता नहीं, बहुत कम होता है, ठीक है। अब एक पार्ट और बचा है इसका, एक तीसरा बटन और बचा, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड तीसरा, देखो स्क्रॉल बटन से आप पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप अपना अपना माउस देखो, इसमें बीच में मेरे देखो, पहले बीच में ये लगाएगा, इससे बाद में आप देखोगे आगे चल के फाइल को ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे चलाते हैं तो फाइल ऊपर नीचे हो जाती है, वो आपको दिखाएंगे आगे। आप या नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं तो आप सब टचपैड का उपयोग करेंगे। अब आपको एक नया शब्द और सुनने को मिला, टचपैड। डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो काम माउस का होता है वही टचपैड। डेस्कटॉप कंप्यूटर में इनको क्या बोलते हैं, माउस, और लैपटॉप के अंदर इसी पार्ट को क्या कहेंगे, टचपैड। सामने दिए गए चित्र को देखें और फिर अपने नोटबुक में ऐसे दी गई चित्र को देखें, इसे टचपैड कहते हैं। यह टचपैड नोटबुक या लैपटॉप के लिए हमारे दोनों हाथ की तरह काम करता है, जैसे कि हमारे पास दो हाथ होते हैं, बायां और दाहिना, वैसे ही टचपैड में भी दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन। अपने अपने टचपैड को देखो, नीचे नीचे जो आधा भाग है इसमें लेफ्ट राइट बटन लगे हुए हैं, ठीक है, लग रहे हैं। नहीं बटन नहीं, इधर इधर कवर कर। आप सब अपने टचपैड की लेफ्ट बटन का सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे, चाहे आपको फाइल ओपन करनी हो या किसी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करना हो तो आप, जैसे माउस में लेफ्ट बटन ज्यादा उपयोग होता है, इसी तरह टचपैड में भी लेफ्ट बटन का ज्यादा उपयोग होता है, लेफ्ट बटन का उपयोग करेंगे। राइट बटन का उपयोग कंप्यूटर को रिफ्रेश और फोल्डर बनाने के लिए करते हैं, या तो रिफ्रेश के लिए राइट बटन का उपयोग करते हैं, या कोई फोल्डर बनाना हो, ठीक है, तो राइट बटन का उपयोग किया जाता है। अब आप सब सामने डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखें, आपको छोटा सा तीर दिख रहा होगा, दिख रहा है ये वाला, ये, ठीक है, जो बार बार ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है आपको। अब ये क्या है सुनो, इस तीर को कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर या पॉइंटर, दो नाम है इसके, काम एक ही है, नाम दो है, कहीं इसको क्या कहते हैं पॉइंटर और कहीं इसको कहते हैं कर्सर। अब जब ये तीर की तरह होता है तब तो इसको कहेंगे पॉइंटर, और जब सीधी लाइन होती है, जब कोई चीज सेलेक्ट कर ले तो सीधी लाइन हो जाती है, तब क्या होगा, कर्सर, ठीक है। सुनो ध्यान से, आप सब इस कर्सर या पॉइंटर की मदद से किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं। कर्सर या पॉइंटर को हम अपने माउस अथवा टचपैड के उपयोग से चलाते हैं। अगर आप माउस का उपयोग कर रहे हैं तो आप सभी अपने राइट हैंड से माउस को पकड़ें और उसे गोल गोल घुमाएं। अपने माउस को घुमा रहे होंगे। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने टचपैड में खाली जगह पर अपने राइट हैंड की एक फिंगर को सामने दिखाए गए चित्र की तरह रखें। जिस तरह आप डेस्कटॉप पर ये पॉइंटर घुमा के देखा है, जिनके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में भी ऐसे घुमा के देखो, हो रहा है, देखा, देखो घुमा के, ममता देखो आप भी घुमा के, वो फाइल क्यों खोला है, आज फोर करता हूँ।
Alt 4. और फिर गोल गोल घुमाएंगे तो आपका पॉइंटर वैसे ही घूमेगा जैसे आप अपने टच पैड पर अपनी फिंगर को घुमा रहे होंगे, क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। इसलिए आप सभी कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं दिए गए वीडियो के माध्यम। अब कंप्यूटर ऑन तो कर लिया हमने, अब इसको ऑफ भी तो करना, बंद भी तो करना होगा ना, तो इसका प्रॉपर तरीका क्या है वो आप देख रहे हैं। अगले हम इसे सीखे, आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आए। स्टार्ट बटन कहाँ है? मेरा पॉइंटर देखो, स्क्रीन पे देखो सामने। आप नीचे अपने अपने इसमें लैपटॉप में देखिए, नीचे स्टार्ट बटन होगा। डेस्कटॉप जिनके पास है वो देखो, सभी बच्चे पॉइंटर को वहां लेकर आओ। शिवानी पॉइंटर कोने में लेके जाओ, इसको क्या कहें, स्टार्ट बटन एक बार क्लिक करो। सर शट डाउन कर दिया, ठीक है शट डाउन कर दिया। पॉइंटर रखने के बाद अपने टच पैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना, जिससे कि आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में आपने सीखा, सबका कंप्यूटर बंद हुआ हमने तो चालू भी कर दिया। बंद करना है, बंद करना, चालू नहीं करना। सर बंद करें, ठीक है इसमें सर बंद करना नहीं, इससे सुनिए रखो सर, सिंपल सा है आर्ट फोर दबाओ वो डायरेक्ट जाएगा। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आज की कक्षा में आपने सीखा है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का उपयोग किन किन जगहों पर किया जाता है, कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, माउस का उपयोग क्यों करते हैं, टच पैड का उपयोग क्यों करते हैं, और कोई बताएगा टच पैड का उपयोग क्यों करते हैं, यह भी सीखा। कंप्यूटर को चालू कैसे किया था या लैपटॉप को चालू कैसे किया था, उसको बंद कैसे किया था यानी शट डाउन कैसे किया था, ठीक है, ये भी आपने आज सीखा है।